नमस्कार, मैं कुंदन। आप देख रहे हैं कुंदन मैथ्स नॉलेज। यदि आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक है त्रिभुज और त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज कॉमन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर क्लास में पढ़ने को मिलता है, तो इसे इग्नोर नहीं आप कर सकते हैं। त्रिभुज को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज बिल्कुल सरल भाषा में सीखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाएं जब आपस में जुड़कर तीन कोण का निर्माण करता है, तीन कोण बनाता है, तो उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये तीन भुजाएं हैं, आपस में जुड़कर तीन कोण का निर्माण करती है, इसलिए इसे त्रिभुज का नाम दिया गया। ए बी सी इसका नाम दे दिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड। अब त्रिभुज में क्या क्या होता है, त्रिभुज में मैनली क्या क्या पाया जाता है। तो त्रिभुज में दो ही चीज पाया जाता है, पहला भुजा और दूसरा कोण। तो एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं, एक त्रिभुज में तीन भुजाएं। जब तीन भुजाएं तो कोण भी तीन, तो कोण भी कितना होगा, तीन। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है, क्योंकि जब भुजाएं तीन है तो त्रिभुज कभी भी चार प्रकार का नहीं हो सकता है, और जब कोण भी तीन है तो कभी भी त्रिभुज चार प्रकार का नहीं हो सकता है। इसलिए भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार का और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है। तो आज हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीनों प्रकारों को जानेंगे कि कौन कौन सा त्रिभुज का प्रकार है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा है और उसका नाम क्या है। तो इसे मिटाते हैं और देखते हैं त्रिभुज का कौन कौन सा प्रकार है। तो भुजा के आधार पर पहला जो त्रिभुज होगा वो एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होगी। इसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू आर। इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसका नाम क्या होगा, कुछ तो नाम होगा। तो एक वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे सम द्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भुजा के आधार पर पहला त्रिभुज था, सम द्विबाहु त्रिभुज। अब हम लोग देखते हैं दूसरा त्रिभुज। तो दूसरा त्रिभुज एक वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, चलिए उसे भी देखते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसका नाम भी दे देते हैं एक्स वाई जेड। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, अलग अलग सबका नाम दे देते हैं, एक्स वाई जेड। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इसका नाम क्या होगा, इस त्रिभुज का नाम सम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। और तीसरा त्रिभुज जो होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा, तीन भुजाएं हैं तो त्रिभुज तो तीन ही प्रकार का होगा, पहला जिसकी दो भुजाएं बराबर हो जाएगी, दूसरा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी, और तीसरा जिसकी तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी। तो इसमें ऐसा आ जाएगा जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी, तो इसका भी नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दीजिए, आर एस
इसमें तीन भुजाएं हैं जिसमें से कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। पहला त्रिभुज हो गया भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर है। दूसरा त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं आपस में बराबर है। ऐसे भी आप जान सकते हैं कि सम मतलब बराबर होता है, बाहु मतलब भुजा होता है। तो समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर है, और तीसरा त्रिभुज जिसकी तीन में से कोई भी भुजाएं बराबर नहीं हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आशा करते हैं आप भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।